चलिए अब हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 9 में आ गए। ये रहा हम लोग के पास इलस्ट्रेशन नंबर 9। क्या दे रखा हुआ है? द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ निधि टुक प्लेस ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। तो हम लोग को कब का दे रखा हुआ ये डेट? तो ये दे रखा हुआ 31 मार्च 2021 का। इसमें सबसे पहले नंबर पर दे रखा हुआ 1 अप्रैल के ट्रांजेक्शन में क्या बोला कि परचेज 12,08% बॉन्ड एट 80.5 कम इंटरेस्ट। तो यहाँ पे जो हम लोग के पास दे रखा हुआ ये परचेज प्राइस उसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। उसके बाद इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 1 नवंबर एंड 1 मई। तो हम लोग के पास इंटरेस्ट का डेट भी रखा हुआ है, ये 1 मई एंड 1 नवंबर में पेबल है। उसके बाद 12 अप्रैल में ट्रांजेक्शन हुआ जिसमें क्या बोला परचेज 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच इन एक्स लिमिटेड फॉर 40 लाख। तो देखिए, एक तो सबसे पहले हम लोग के पास इंटरेस्ट बियरिंग इन्वेस्टमेंट है एंड दूसरा जो इन्वेस्टमेंट है वो हम लोग के पास इक्विटी शेयर का भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे दे रखा हुआ है। तो देखिए, इसका एक अलग से अकाउंट बनेगा जो 8% बॉन्ड होगा। 8% क्या होगा? बॉन्ड होगा। और इसका एक अलग से अकाउंट बनेगा जो क्या होगा? इक्विटी शेयर इन एक्स लिमिटेड, इक्विटी शेयर इन एक्स लिमिटेड। तो इस तरह से हम लोग के पास कितना अकाउंट बनेगा? तो इस तरह से हम लोग के पास 2 अकाउंट बनेगा। अब देखिए आगे क्या ट्रांजेक्शन क्या दे रखा हुआ है। तो आगे हम लोग को 1 मई का दे रखा हुआ है रिसीव हाफ ईयर इंटरेस्ट ऑन 8% बॉन्ड। तो यहाँ पे हम लोग को 1 मई को जो इंटरेस्ट डेट था उस डेट को हम लोग के पास इंटरेस्ट मिल जाएगा उस डेट को। उसके बाद 15 मई को क्या बोला कि एक्स लिमिटेड मेड अ बोनस इशू ऑफ 3 इक्विटी शेयर ऑफ एवरी 2 होल्ड। तो यहाँ पे बोनस इशू कितना किस रेशियो में दिया जा रहा है? तो 3:2 के रेशियो में बोनस इशू दिया जा रहा है। उसके बाद निधि सोल्ड 1,25,000 बोनस शेयर फॉर ₹20 इस। तो यहाँ पे निधि इस डेट को ही बोनस शेयर को क्या कर देती है? सेल कर देती है। उसके बाद यहाँ पे 1 अक्टूबर के बारे में क्या बोला? तो 1 अक्टूबर में 3,08% बॉन्ड एट 81x इंटरेस्ट। तो यहाँ पे 3 लाख जो है सोल्ड कर दे रहा है क्या चीज़? तो 8% बॉन्ड यहाँ पे सोल्ड कर दे रहा है कौन? तो जो निधि है वही अब यहाँ पे सेल कर दे रहा है। 3 लाख के अमाउंट का यहाँ पे बॉन्ड 81x इंटरेस्ट के हिसाब से सेल हो रहा है। आगे 1 नवंबर के में ट्रांजेक्शन में क्या दे रखा है? तो यहाँ पर 1 नवंबर में रिसीव हाफ ईयर इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड। तो यहाँ पर 1 नवंबर को इंटरेस्ट मिल गया। उसके बाद 1 दिसंबर में क्या बोला रिसीव 18% इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर इंक्लूडिंग बोनस शेयर्स इन एक्स लिमिटेड। तो यहाँ पर बोनस शेयर में भी मिल रहा है क्या चीज़ मिल रहा है? तो यहाँ पर इंटरिम डिविडेंड मिल रहा है। आगे सबसे में क्या बोला? तो आगे सबसे हम लोग को बोला प्रिपेयर रिलेवेंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ निधि फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। तो हम लोग के पास हम लोग को बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना है किस डेट को बनाना है? तो यहाँ पर 31 मार्च 2022 को बुक्स बनाना है। ये सम्स बहुत ही ईजी है क्योंकि इसमें तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखा हुआ है, बहुत ही कम ही है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं आज की कॉपी में इलस्ट्रेशन नंबर 9 बनाते हैं। उससे पहले हाँ, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आप लोग को नोट्स मिल जाएगा और मोबाइल ऐप पर भी मिलेगा नोट्स। और कुछ भी पर्सनली मुझे मैसेज करना चाहते हो तो उस टाइम आप लोग इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है? तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। चलिए, तो ये रहा हम लोग के पास इलस्ट्रेशन नंबर नाइन रहा हम लोग के पास। इसमें सबसे पहला जो हम लोग अकाउंट बनाएंगे वो कौन सा अकाउंट बनाएंगे? तो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे 8% बॉन्ड का अकाउंट। तो यहाँ पे चलिए बनाते हैं 8% बॉन्ड इन्वेस्टमेंट इन 8% बॉन्ड अकाउंट। तीन कॉलम का बना लीजिए कॉज इंटरेस्ट का इंफॉर्मेशन हम लोग के पास दे रखा हुआ है। सबसे पहला जो होगा नॉमिनल वैल्यू या कॉस्ट, यहाँ पे इंटरेस्ट का और यहाँ पे अमाउंट या कॉस्ट का, नॉमिनल वैल्यू या वहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्ड्स का हो जाता। फिर यहाँ पे नॉमिनल वैल्यू, फिर इंटरेस्ट और यहाँ पे अमाउंट का कॉलम हम लोग बना चुके हैं। अब देखिए, फर्स्ट ट्रांजेक्शन का हम लोग के पास डेट कब का रखा? तो यहाँ पे 1 अप्रैल का। तो चलिए हम लोग लिखेंगे 1 अप्रैल का। और यहाँ पे परचेज हुआ है तो परचेज को हम लोग कौन से साइड में लिखते थे? तो परचेज को हम लोग हमेशा डेबिट साइड में लिखते थे। तो चलिए यहाँ पे 1/4/2000 कब का डेट है? 1 अप्रैल है और 31 मार्च के बाद में दे रखा हुआ था ढूंढने प्लेस। और हम लोग को अकाउंट्स बनाना है 31 मार्च 2022 का। तो यहाँ पे होगा 21। तो यहाँ पे परचेज करने से क्या हम लोग करते थे? तो टू बैंक अकाउंट लिखते थे जिसका नॉमिनल वैल्यू कितना है। तो नॉमिनल वैल्यू हमें के पास 12 लाख का दे रखा हुआ। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग कितना, तो ये लिख देंगे यहाँ पे 12 लाख का। अब
इंटरेस्ट कॉलम में कितना होगा, तो देखिए इंटरेस्ट का जो यहाँ पे डेट दे रखा होगा, कब का दे रखा, फर्स्ट नवंबर का एंड फर्स्ट अप्रैल का हम लोग के पास, सॉरी फर्स्ट मई का हम लोग के पास इंटरेस्ट का डेट दे रखा हुआ है। तो लास्ट इंटरेस्ट कब रिसीव किया होगा, देखिए फर्स्ट अप्रैल को ट्रांजेक्शन हो रहा है तो लास्ट इंटरेस्ट कब रिसीव किया होगा, तो देखिए यहाँ पे मैं आप लोग को ड्रॉ करता हूँ आप लोगों के लिए। तो देखिए अगर ये डेट मान लेते हैं क्या है, तो फर्स्ट नवंबर है, ये डेट हम लोग के पास फर्स्ट नवंबर है, और जो इससे जो एक दूसरा डेट है वो यहाँ पे है फर्स्ट मई का, फर्स्ट मई का हम लोग के पास यहाँ पे डेट दे रखा हुआ। तो अगर अप्रैल में यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव करती है कंपनी, तो वो किसके बाद में इंटरेस्ट रिसीव करती है, मतलब अप्रैल में यहाँ पे ट्रांजेक्शन होता है तो किस इंटरेस्ट के बाद यहाँ पे ट्रांजेक्शन हुआ होगा। तो देखिए नवंबर के बाद यहाँ पे दिसंबर जनवरी फरवरी, तो यहाँ पे अप्रैल का आ जाएगा, ये तो यहाँ पे अप्रैल का आएगा ना, तो ये नवंबर वाला इंटरेस्ट के बाद जो है वो अप्रैल का ट्रांजेक्शन हुआ होगा। तो यहाँ पे कितना मंथ हो गया, तो देखिए फर्स्ट नवंबर यहाँ पे इंटरेस्ट का डेट रखा, तो यहाँ पे फर्स्ट नवंबर से जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे नवंबर का एक मंथ, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, तो हम लोग के पास कितना मंथ आ गया, 5 मंथ्स। अगर 30th अप्रैल अगर होता तब तो हम लोग के पास 6 मंथ्स आता ना, जो हम लोग के पास फर्स्ट में दे रखा था, बट फर्स्ट में से एक महीने पहले, मतलब हम लोग के पास इसमें जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा, इंटरेस्ट कितने मंथ्स के लिए हम लोग को कैलकुलेट करना होगा, हम लोग को 5 मंथ्स के लिए यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। तो चलिए हम लोग कॉपी में देख लेते हैं कितना हो जाएगा इंटरेस्ट, तो यहाँ पे वर्किंग नोट बना लेते हैं, ये इस पेज में आ जाए वर्किंग नोट, किस डेट का वर्किंग नोट, तो ये हम लोग के पास है 1st अप्रैल 2021 का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो 12 लाख इसका दे रखा हुआ हम लोग के पास नॉर्मल वैल्यू। अब इस 12 लाख में यहाँ पे इंटरेस्ट का रेट कितना दे रखा, तो ये हम लोग के पास 8%, तो इंटू हो जाएगा 8%, और कितने मंथ्स के लिए, तो यहाँ पे 5 / 12 मंथ्स के लिए, तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो ये आ गया 12 लाख 8% × 5/12, तो ये हम लोग के पास आ गया 40,000 का, तो ये 40,000 हम लोग के पास क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया, और यही 40,000 हम लोग कहाँ लिखेंगे, तो ये वाली कॉलम में हम लोग 40,000 इंटरेस्ट लिख देंगे। यहाँ तक तो आप लोग कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ये तो हम लोग के पास हो गया इंटरेस्ट का, अब यहाँ पे कॉस्ट में कितना आने वाला है, तो कॉस्ट में हम लोग के पास दे रखा हुआ 80.50 कम इंटरेस्ट पे, 80.50 हम लोग के पास क्या हो गया, कम इंटरेस्ट पे, तो यहाँ पे चलिए निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पे कॉस्ट जब होगा तो 12 लाख दे रखा हुआ हम लोग के पास नॉर्मल वैल्यू, और यहाँ पे कितना में कॉस्ट हो रहा है, तो 80.50, तो हम लोग लिखेंगे 80.50, और इसमें डिवाइड करेंगे कितना से, तो हम लोग इसके नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए हम लोग इसके नॉर्मल प्राइस ऑफ 1 शेयर से डिवाइड करेंगे, तो नॉर्मल प्राइस कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। ऑब्वियस बात, देखिए प्राइस यहाँ पे चल रहा है 80.50, इसका मतलब नॉर्मल वैल्यू कितना होगा, 100 होगा, तो डिवाइड बाय 100 करेंगे तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो देखते हैं 12 लाख हो गया इंटू 80.5 / 100, तो ये हम लोग के पास आ गया 9,66,000 ये आ गया। अब इस 9,66,000 में से हम लोग को क्या माइनस करना होगा, हम लोग को माइनस करना होगा इंटरेस्ट, तो यहाँ पे चलिए माइनस करते हैं इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट हम लोग निकाल चुके हैं जो 40,000 निकाल चुके थे, तो 40,000 माइनस करने के बाद हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो ये हम लोग के पास आ जाएगा 9,26,000, जो इस वाले बॉन्ड्स का कॉस्ट होने वाला है, 9,26,000 कॉस्ट होने वाला है, बिकॉज 40,000 तो इंटरेस्ट के बदले पेमेंट हुआ है ना, तो ये 9,26,000 इसे बोलेंगे एक्स इंटरेस्ट प्राइस, एक्स इंटरेस्ट प्राइस मतलब इंटरेस्ट को एक्सक्लूड करने के बाद बाद वाला प्राइस, वही प्राइस हम लोग कहाँ लिखते हैं, तो वही प्राइस हम लोग कॉस्ट वाले कॉलम में लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 9,26,000, चलिए लिखते हैं 9,26,000 का। तो यहाँ से तो आप लोग कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, सबसे पहले हम लोग नॉर्मल वैल्यू लिखे थे, नॉर्मल वैल्यू के बाद हम लोग जो इंटरेस्ट का कॉलम था उसमें इंटरेस्ट निकाल के लिखे थे कैलकुलेट करके, और जो भी हम लोग यहाँ पे लिखे हैं वो हम लोग लिखे हैं यहाँ पे एक्स इंटरेस्ट प्राइस, यहाँ पे लिखना चाहोगे तो यहाँ पे लिख दीजिए एक्स इंटरेस्ट प्राइस, ये हम लोग को हमेशा कॉस्ट वाले कॉलम में लिखना होता है, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, तो आगे नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन दे रखा हुआ उनके पास 12th अप्रैल का दे रखा हुआ है। 12th अप्रैल में क्या बोला कि परचेज किया 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच इन एक्स लिमिटेड फॉर 40 लाख, तो ये हम लोग के पास यहाँ पर दे रखा हुआ है। तो चलिए हम लोग इसका बनाते हैं अकाउंट, तो ये हम लोग के पास इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर इसका अकाउंट बनाएंगे हम लोग, यहां भी 3 कॉलम हम लोग बना लेंगे,
जो सबसे पहला जो कॉलम हो जाएगा वो हम लोग का किस चीज़ का कॉलम होगा, तो ये हम लोग के पास हो जाएगा सबसे पहले नॉर्मल वैल्यू का, फिर कॉस्ट डिविडेंड का, फिर यहाँ पे अमाउंट का। ये हम लोग के पास आ गया नंबर ऑफ शेयर, इसके बाद यहाँ पे हम लोग के पास आ जाएगा डिविडेंड, नंबर ऑफ शेयर या हम लोग नॉर्मल वैल्यू भी लिख सकते हैं, और यहाँ आ जाएगा हम लोग के पास अमाउंट या कॉस्ट का कॉलम। तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स, ये आ जाएगा डिविडेंड का, और यहाँ पे आ जाएगा हम लोग के पास अमाउंट का कॉलम। तो ये यहाँ तो आप लोग कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, बस हम लोग लिख चुके हैं। अब यहाँ पे प्राइस कितना नंबर ऑफ शेयर परचेज हुआ, तो 1 लाख परचेज हुआ। तो चलिए हम लोग किस डेट को परचेज हो रहा है, तो यहाँ पे 12 अप्रैल को परचेज हो रहा है, तो यहाँ लिख दिया 12/4/2021 इस डेट को परचेज हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, कितना शेयर परचेज हो रहा है, तो यहाँ पे 1 लाख शेयर परचेज हो रहा है, जिसका डिविडेंड तो कुछ पता नहीं है, हम लोग के पास कॉस्ट पता है कितना, तो 40 लाख। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग डिविडेंड के कॉलम में कुछ भी नहीं और कॉस्ट के कॉलम में कितना, तो ये लिखेंगे हम लोग 40 लाख। हम लोग के पास दो यहाँ पे ट्रांजेक्शन हो चुका है। अब तीसरा आ जाए, तो तीसरा में क्या बोला कि यहाँ पे इंटरेस्ट हाफ ईयरली इंटरेस्ट 8% ऑन बॉन्ड पे रिसीव हुआ कब, तो फर्स्ट मे को रिसीव हुआ। तो फर्स्ट मे के कॉलम में आ जाएंगे हम लोग, तो यहाँ लिखेंगे बाय 1/5/2021। तो बाय क्या लिखेंगे, तो बाय लिखेंगे हम लोग इंटरेस्ट बैंक लिखेंगे, जहाँ पे इंटरेस्ट के अमाउंट का आएगा, तो बाय बैंक, और इसमें इंटरेस्ट कितना का मिलेगा, तो इंटरेस्ट हम लोग के पास मिलेगा 12 लाख का 8% इंटू 6/12, क्योंकि 6-6 महीने पे इंटरेस्ट मिला है ना, तो 6/12 करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे आ जाएगा अमाउंट 12 लाख का 8% डिवाइड बाई 2, तो ये हम लोग के पास आ गया 48,000। तो यहाँ इंटरेस्ट वाली कॉलम में कितना आ जाएगा, 48,000, और यहाँ पे रुपी कॉस्ट वाले कॉलम में तो कुछ नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग वहाँ पे एडजस्ट कर चुके थे। तो ये हम लोग के पास आ गया। अब देखिए नेक्स्ट वाले कॉलम में क्या है, तो नेक्स्ट वाले में हम लोग को बोला 15 मई को एक्स लिमिटेड मेड अ बोनस इशू ऑफ 3 इक्विटी शेयर ऑफ एवरी 2 होल्ड, मतलब 3:2 के रेशियो में बोनस इशू मिल रहा है, और यही बोनस इशू में 1,25,000 बोनस शेयर को 20 करके यहाँ पे सेल कर दे रहा है। तो ये हम लोग इक्विटी शेयर वाले में बनाएंगे कौन में, तो यहाँ पे आ जाइए। सबसे पहले किस डेट को मिल रहा है, तो इसे मिल रहा है 15 मई को, यहाँ पे 15 मई 2021 इस डेट को बोनस मिल रहा है। तो यहाँ पे 2 क्या लिखेंगे हम लोग, बोनस। अब बोनस किस रेशियो में मिल रहा है, तो 3:2 के रेशियो में। तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर पहले से एग्जिस्टिंग कितना है, तो एग्जिस्टिंग 1 लाख है, तो इस 1 लाख का कितना हो जाएगा, 3/2 हम लोग के पास हो जाएगा। 3/2 हम लोग का करेंगे वहाँ पे जो रेशियो दे रखा था उसके हिसाब से। तो 1 लाख का 3/2 कितना हो गया, तो ये हम लोग के पास आ गया 1,50,000। और बोनस शेयर के टाइम में हम लोग कॉस्ट डिविडेंड तो कुछ भी नहीं लिखते हैं ना, तो ये हम लोग के पास कुछ भी नहीं आएगा। अब यही बोनस शेयर को इसी डेट में कंपनी क्या कर चुके हैं, सेल कर चुके, कंपनी है या जो भी नाम है वो सेल कर चुका है, वो कितना 20 इस करके। तो यहाँ पे लिखेंगे इसी डेट को 15/5/2021 को बाय बैंक अकाउंट सेल करने का एंट्री हम लोग करेंगे बाय बैंक अकाउंट। और नंबर ऑफ शेयर कितना सेल हो रहा है, तो नंबर ऑफ शेयर यहाँ पे बोला कि 1,25,000 शेयर को सेल किया, तो यहाँ पे लिखेंगे 1,25,000 शेयर सेल हो चुका है, और इसका कितने में सेल हुआ, तो 20 ईच करके। तो 1,25,000 इंटू 20 हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 1,25,000 इंटू 20, तो ये हम लोग के पास आ जा रहा है 25 लाख। तो ये 25 लाख हम लोग के पास क्या आ गया, तो अमाउंट वाले कॉलम में आ गया। तो यहाँ तो आप लोग कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, अभी तक हम लोग नॉर्मली जो हम लोग के पास ट्रांजेक्शन दे रखा था उसका हम लोग अभी किए हैं, जो भी परचेज था या जो भी था या इंटरेस्ट रिसीव का था। अब देखिए 1 अक्टूबर को क्या हो रहा है, तो 1 अक्टूबर को 3,08% बॉन्ड एट 81 इंटरेस्ट पे यहाँ पे सोल कर दिया जा रहा है। तो चलिए इंटरेस्ट उसमें हम लोग बॉन्ड्स वाले कॉलम में आ जाते हैं। तो बॉन्ड्स वाले में डेट कब का दे रखा है, तो 1 अक्टूबर का, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 1 अक्टूबर। अक्टूबर कौन सा मंथ होता है, 10/2021 बाय बैंक अकाउंट। यहाँ पे 3 लाख शेयर 3 लाख यहाँ पे बॉन्ड सेल हो रहा है, तो 3 लाख बॉन्ड्स हो गया। अब 3 लाख बॉन्ड हो गया और कितने में सेल हो रहा है, तो यहाँ पे 81x इंटरेस्ट पे, एक सेकेंड, तो यहाँ पे देखिए तो 81x इंटरेस्ट पे सेल हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर में हो गया हम लोग के पास 3 लाख, नंबर में तो सबसे पहले हम लोग के पास हो गया 3 लाख। उससे पहले एक बार रिकॉर्डिंग चेक कर लूँ हो रहा है कि नहीं, चलिए हो रहा है। तो नंबर में तो सबसे पहले हम लोग के पास 3 लाख हो गया और यहाँ पे 81x इंटरेस्ट पे चल रहा है। तो देखिए 3 लाख हो गया नॉर्मल वैल्यू,
और इस 3 लाख का 81% जब हम लोग करेंगे तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो 2,43,000, तो ये हम लोग के पास अमाउंट वाली कॉलम में आ जाएगा 243,000। ये कैसा आया, तो 3 लाख का हम लोग किए 81% किए, या 81 डिवाइड बाय हम लोग 100 करेंगे तो ये हम लोग के पास आ जाएगा 2,43,000। अब इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग के पास कैसे करेंगे कैलकुलेट, तो देखिए लास्ट जो हम लोग के पास यहाँ पे इंटरेस्ट मिला था वो कब मिला था, तो 1 मई को मिला था। तो 1 मई से लेकर के हम लोग 1 अक्टूबर तक जाएंगे तो कितने मंथ का हम लोग के पास इंटरेस्ट आ जाएगा, तो चलिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और यहाँ पे सितंबर तक, क्योंकि अक्टूबर तो यहाँ पे स्टार्ट ही हो रहा है ना, तो 5 महीने का हम लोग के पास यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो 3 लाख का 8% इंटू 5/12 करेंगे तो हम लोग के पास इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, तो ये हम लोग के पास इंटरेस्ट आ जा रहा है 10,000 का। यहाँ तो आप लोग कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, अगर इसे वर्किंग नोट में दिखाना चाहोगे तो आप लोग वर्किंग नोट में भी दिखा सकते हो कैसे। तो यही हम लोग के पास आ जाएगा 3 लाख का, यहीं पर लिख देता हूँ, ये जो 3 लाख दे रखा हुआ है तो इस 3 लाख का 8% और ये कितने मंथ्स के लिए, तो यहाँ पे 5/12 के लिए, तो हम लोग के पास इंटरेस्ट का कॉलम आ जाएगा। और यहाँ पे 2,43,000 कैसे आया, 3 लाख इंटू 81 डिवाइड बाय हम लोग 100 किए, डिवाइड बाय 100 क्यों किए, क्योंकि हम लोग एज्यूम किया यहाँ पे कि जो फेस वैल्यू है वो कितने का होगा, 100 का होगा। क्यों एज्यूम किए, बिकॉज वहाँ पे जो हम लोग के पास दे रखा हुआ है जो भी प्राइस था वो 81 था, तो ये तो 100 के आसपास है ना, तो इसलिए हम लोग वहाँ पे एज्यूम किए थे 100। या डायरेक्ट आप लोग परसेंटेज भी कर लोगे तभी आप लोग का 2,43,000 आ जाएगा। तो यहाँ तक तो आप लोग को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए, ये जो हम लोग यहाँ पे सेल किए तो इस सेल के वजह से प्रॉफिट या लॉस तो होना चाहिए, तो चलिए हम लोग प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करेंगे। और वो कौन सा बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे, तो अगर सम्स में बोल देता है फीफो बेसिस या वेटेड एवरेज, तो हम लोग फीफो या वेटेड एवरेज बेसिस में जाते हैं। और अगर सम्स में कुछ भी नहीं बोलता तो हम लोग एवरेज बेसिस में जाते हैं, और एवरेज बेसिस में हमने बहुत सारा सम्स हम लोग तो कर चुके हैं ना, तो उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पे भी करने वाले। तो चलिए यहाँ पे निकालते कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट या लॉस। वर्किंग नोट, कौन सा वर्किंग नोट, तो ये हम लोग के पास आ जाएगा वर्किंग नोट में, ये किस डेट का वर्किंग नोट है, 1 अक्टूबर का, 1 अक्टूबर 2021 का कैलकुलेशन ऑफ सेल प्रोसीड्स, सेल प्रोसीड्स नहीं, प्रॉफिट या लॉस। ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, जो भी हम लोग के पास सेल प्रोसीड होता था जो कितना इस केस में, तो इस केस में हम लोग के पास सेल प्रोसीड कितने का आया था, तो यहाँ पे आया था, लिख भी देता हूँ चलेगा, 3 लाख का 81%, क्योंकि 81 हम लोग के पास प्राइस दे रखा हुआ था, तो 81% हम लोग, या 81 डिवाइड हम लोग कितना कर देंगे, 100 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 3 लाख का 81%, 2,43,000 माइनस एवरेज कॉस्ट। और एवरेज कॉस्ट हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो देखिए सबसे पहले जो हम लोग के पास दे रखा हुआ कॉस्ट वो कितने का दे रखा हुआ, तो यहाँ पे हम लोग के पास कॉस्ट जो है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक का दे रखा हुआ, जो कितने का है कॉस्ट, तो यहाँ पे 4 लाख यहाँ पे आ जाइए ऊपर, 926,000 का हम लोग के पास कॉस्ट दे रखा हुआ, जो सिर्फ हम लोग के पास एक ही कॉस्ट है जो 926,000 दे रखा हुआ है। और यहाँ पे कितना दे रखा हुआ है नंबर नॉर्मल वैल्यू में, तो नॉर्मल वैल्यू में हम लोग के पास दे रखा 12 लाख का, और हम लोग को निकालना है 3 लाख का, ये हम लोग के पास सेल ही यूनिट का निकाला है ना, तो 3 लाख हम लोग को निकालना है, और यहाँ पे 12 लाख का दे रखा है जिसका कॉस्ट कितना है, तो 926,000, तो वही जो हम लोग का जो फॉर्मूला होता था मास्टर फॉर्मूला उसी बेसिस पे हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे 3 लाख यह आ जाएगा 3 लाख डिवाइड बाय 12 लाख, और 12 लाख वाले का कॉस्ट कितना दे रखा होता, तो ये हम लोग के पास दे रखा हुआ है 926,000, यहाँ लिखेंगे इंटू 9,26,000। तो चलिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 लाख डिवाइड बाय 12 इंटू 926,000, 926,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 12, तो ये हम लोग के पास कितना इसका कॉस्ट आ गया, तो ये हम लोग के पास कॉस्ट आ गया 231,500। अब माइनस करेंगे तो माइनस करिए आप लोग 243,000, तो ये हम लोग के पास आ गया प्रॉफिट कितने का आ गया, तो 11,500 का हम लोग के पास क्या आ गया प्रॉफिट आ गया, ये रहा प्रॉफिट। अब यही प्रॉफिट को हम लोग कौन से साइड लिखते थे, डेबिट या क्रेडिट साइड, तो हम लोग लिखते थे डेबिट साइड, तो आज ये इसे हम लोग डेबिट साइड में लिख देंगे। किस डेट को, तो यही 1 अक्टूबर 2011 को, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कितने का आ जाएगा हम लोग के पास, तो ये हम लोग के पास आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में 11,500 का,
11,500 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ तो आप लोग क्लियर हो चुका होगा। अब देखिए आगे चलते हैं, तो ये वाली भी हम लोग के पास एंट्री हो चुका है। अब हम लोग का फर्स्ट नवंबर का यहाँ पे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो चलिए हम लोग फर्स्ट नवंबर को इंटरेस्ट देंगे। यहाँ पे फर्स्ट नवंबर 2021 को यहाँ पे बाय बैंक अकाउंट और इंटरेस्ट कितना का हो जाएगा, तो देखिए 12 लाख ये हम लोग के पास दे रखा था नॉर्मल वैल्यू। अब इस 12 लाख में से तो हम लोग का 3 लाख यहाँ पे बिक चुका है ना, तो बचा कितना, तो 9 लाख। तो इसी 9 लाख पर हम लोग यहाँ पे इंटरेस्ट देंगे, तो 9 लाख का 8% और यहाँ पे 6 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट, तो 6 डिवाइड हम लोग करेंगे 12, तो चलिए कितना हो गया देख लीजिए। तो 9 लाख इंटू 8% इंटू 6 डिवाइड बाय 12, तो ये हम लोग के पास आ गया 36,000 का, ये हम लोग के पास इंटरेस्ट में आ जाएगा 36,000। और ये दोनों वाले कॉलम हम लोग का कुछ भी नहीं आएगा, तो यहाँ तो आप लोग कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जो भी इंटरेस्ट का कॉलम था वो हम लोग कर चुके हैं, और जो भी हम लोग के पास पॉइंट दे रखा था वो कर चुके हैं। अब आगे देखिए आगे क्या दे रखा हुआ है। तो आगे हम लोग को 1 दिसंबर जो लास्ट ट्रांजेक्शन रखा हुआ वो उसमें क्या बोला कि रिसीव 18% इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर इंक्लूडिंग बोनस शेयर। तो जो भी बोनस शेयर का था उसको इंक्लूड करने के बाद यहाँ पे 18% इंटरिम डिविडेंड मिला है। तो चलिए हम लोग डिविडेंड का एंट्री करेंगे। तो यहाँ देखिए कब का दे रखा हुआ है, तो 1 दिसंबर का, तो यहाँ पे 1/12/2021 बाय बैंक अकाउंट और यहाँ पे इंटरिम डिविडेंड मिल रहा है जो इंक्लूडिंग इक्विटी शेयर का। देखिए सबसे पहले 1 लाख तो यहाँ पे परचेज वाला शेयर था, और 1,50,000 जो हम लोग के पास था वो क्या था, बोनस था इशू का। और यहाँ पे एक शेयर का प्राइस कितना दे रखा होता था, एक शेयर का हम लोग के पास प्राइस जो है वो है ₹10 करके, ये रहा हम लोग के पास ₹10 करके फेस वैल्यू दे रखा हुआ नॉमिनल वैल्यू, तो इंटू 10 हो जाएगा। और इस पे कितना परसेंट डिविडेंड मिला, तो 18% मिला, तो इंटू हम लोग कितना करेंगे 18% करेंगे, तो 18% करेंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, कितना इंटरिम डिविडेंड होना चाहिए, तो 2,50,000 इंटू 10 इंटू 18%, तो हम लोग के पास डिविडेंड कितना गया 4,50,000 ना, नहीं नहीं इसमें से सेल भी तो हुआ था, जो सेल हुआ था वो हम लोग को माइनस करना होगा, 1,25,000 यहाँ पे सेल हो चुका था, तो 2,50,000 माइनस 1,25,000 इंटू 10 इंटू 18%, तो ये हम लोग के पास सेल करने के बाद ये जो डिविडेंड आया वो कितना आया, तो 2,25,000 का हम लोग के पास डिविडेंड आया। ये आप लोग नहीं भूलिएगा कि यहाँ पे सेल हुआ था 2 लाख, और 1,25,000 का यहाँ पे सेल हुआ था, वो भी आप लोग को यहाँ पे लिख करके आना है, ठीक है। अब आगे आ जाइए, आगे तो हम लोग के पास कुछ भी नहीं दे रखा हुआ है, तो अब हम लोग क्या करेंगे इजिली, जो भी है बुक्स ऑफ अकाउंट इसे हम लोग क्लोज करेंगे। तो चलिए हम लोग क्लोज करते हैं, सबसे पहले किसे क्लोज करेंगे, तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्लोज करते हैं इक्विटी शेयर वाले को ही क्लोज कर लेते हैं। आ जाइए क्लोज कीजिए, तो सबसे पहले जो नंबर ऑफ शेयर होगा वो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे नॉर्मल वैल्यू में नंबर ऑफ शेयर हो गया 2,50,000, तो यहाँ भी हो जाएगा 2,50,000, तो यहाँ पे आ गया बाय बैलेंस सीडी जहाँ पे कितना आ जाएगा, तो ये हम लोग के पास आ जाएगा 1,25,000। तो यहाँ तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अब डिविडेंड वाले कॉलम में हम लोग के पास डेबिट साइड में तो कुछ भी नहीं दे रखा हुआ है, डेबिट साइड में हम लोग लिखेंगे 31/3/2022 को, ये भी हम लोग के पास आएगा 31/3/2022 का आ जाएगा ये डेट। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस जहाँ पे 2,25,000 का जो भी डिविडेंड है वो यहाँ पे आ जाएगा, दोनों ही साइड हम लोग का 2,25,000 और यहाँ भी 2,25,000 का ये आ गया हम लोग के पास डिविडेंड का। अब डिविडेंड के बाद कॉस्ट है, तो कॉस्ट में हम लोग के पास 40 लाख का कॉस्ट दे रखा हुआ था, और जो सेल हुआ वो कितने का हुआ था, तो सेल हम लोग के पास हुआ था यहाँ पे सेल हुआ था 25 लाख का। अब ध्यान दीजिए सेल के टाइम हम लोग प्रॉफिट निकाले नहीं थे, तो अभी प्रॉफिट निकाल लीजिए, बट उसी टाइम में जब भी सेल होगा तो उसी टाइम में आप लोगों को प्रॉफिट निकाल लेना है। तो यहाँ पे चलिए वर्किंग नोट बनाते हैं, किस डेट का वर्किंग नोट, तो सेल कब का हुआ था, तो सेल यहाँ पे हुआ था 15/5/2021, इस डेट का सेल आप लोग को पहले से बनाना होता था, जो हम लोग प्रॉफिट और लॉस निकालते पहले ही जिस सेल के टाइम में, बट नहीं निकाले तो अभी भी निकाल सकते हो। चलिए यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले सेल प्रोसीड, सेल प्रोसीड हम लोग के पास कितना आ गया, तो ये हम लोग के पास सेल प्रोसीड दे रखा हुआ 2,25,000, ये 25 लाख यहाँ पे लिख देंगे। अब इस 25 लाख में से एवरेज कॉस्ट बेसिस पे हम लोग माइनस करेंगे, तो यहाँ पे एवरेज कॉस्ट कैसे निकालेंगे, तो हम लोग को 1,25,000 का निकालना है, और जो हम लोग के पास पता था वो बोनस शेयर का भी पता था, प्लस में हम लोग के पास जो परचेज किया हुआ था शेयर दोनों का पता था, तो यहाँ पे 1 लाख
1,50,000, और इसका जो हम लोग के पास कॉस्ट दे रखा हुआ था वो सिर्फ और सिर्फ हम लोग के पास नॉर्मली जो परचेज था शेयर था उसी का कॉस्ट, बोनस शेयर का तो कॉस्ट नहीं दे रखा हुआ था ना, तो इंटू 40 लाख करेंगे हम लोग। तो चलिए यहाँ पे कर देते हैं इंटू 40 लाख, तो ये हम लोग के पास एवरेज कॉस्ट आ जाएगा जो कितना आ जाएगा, तो 125 डिवाइड बाई 250 इंटू 40 लाख, तो ये हम लोग के पास आ गया 20 लाख। इस तरह से हम लोग के पास सम्स में कितना प्रॉफिट आ गया, तो ये हम लोग के पास प्रॉफिट आ चुका है 5 लाख। तो यहाँ तो आप लोग कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इस 5 लाख के प्रॉफिट को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, जो इसी डेट को लिख देंगे, थोड़ा सा ऊपर मैं लिख देता हूँ 15th 5 2021। यहाँ पे टू प्रॉफिट एंड लॉस जो कितने अमाउंट का हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 लाख। ठीक है, तो ये हम लोग प्रॉफिट का भी कर चुके हैं, अब हम लोग दोनों ही साइड मैच कर लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 45 लाख, और यहाँ पे आ जाएगा जो बैलेंसिंग फिगर में होगा वो कितना आ जाएगा, ये हम लोग के पास आ जाएगा 20 लाख का, और यहाँ पे 45 लाख का। और इसी के साथ हम लोग का जो था जो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर अकाउंट वो हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वाला जो हम लोग के पास है 8% बॉन्ड का, तो 8% बॉन्ड का हम लोग क्लोज करेंगे। चलिए क्लोज करते हैं, तो सबसे पहले नॉर्मल वैल्यू में कितना दे रखा है, तो यहाँ पे 12 लाख दे रखा हुआ, तो चलिए लिख देता हूँ 12 लाख, यहाँ भी आ जाएगा 12 लाख। तो 31/3/2022 को बाय बैलेंस सीडी जिसमें कितना आ जाएगा, तो 12 लाख में से 3 लाख गया, तो ये हम लोग के पास आ गया 9 लाख, ये आ गया। अब इंटरेस्ट वाले कॉलम हम लोग देखेंगे, तो इंटरेस्ट वाले कॉलम में हम लोग के पास दे रखा है 48,000 + 10,000 + 36,000, तो ये हम लोग के पास कितना आ गया, प्लस में इसका भी इंटरेस्ट निकालेंगे हम लोग 31 मार्च तक का, तो यहाँ पे आ जाइए, वर्किंग नोट बनाते हैं हम लोग 31/3/2022 का, इस डेट को हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे। तो इस टाइम में हम लोग के पास क्लोजिंग बैलेंस कितने का दे रखा है, नॉमिनल वैल्यू का, तो क्लोजिंग बैलेंस हम लोग के पास कितना है, तो ये रहा हम लोग के पास क्लोजिंग बैलेंस जो 9 लाख का दे रखा हुआ है, तो इसी 9 लाख का हम लोग को इंटरेस्ट निकालना है, और कब तक का निकालना है इंटरेस्ट, तो यहाँ पे 31 मार्च 2022 को निकालना है। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे 9 लाख सबसे पहले, अब इस 9 लाख पे 8% रेट दे रखा हुआ है, और 31 मार्च तक में जो लास्ट इंटरेस्ट मिला होगा वो मिला होगा 1 नवंबर का, तो 1 नवंबर का जो मिला होगा, तो यहाँ पे नवंबर से हम लोग काउंट करेंगे, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो हम लोग के पास 5 महीने का इंटरेस्ट आ गया, तो इंटू 5 डिवाइड हम लोग कितना करेंगे 12 करेंगे, तो 5 डिवाइड 12 करने से हम लोग के पास कितना आ जाएगा, ये आ गया 9 लाख इंटू 8% इंटू 5 डिवाइड बाय 12, तो ये हम लोग के पास आ गया 30,000 का इंटरेस्ट, तो ये 30,000 का इंटरेस्ट वाले कॉलम में हम लोग लिख देंगे, तो यहाँ आ जाइए इंटरेस्ट वाले कॉलम में हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 30,000। अब इसके अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, तो चलिए क्लोज करते हैं, तो 30,000 + 36,000 + 10,000 + 48,000, तो हम लोग के पास कितना आ गया टोटल, तो ये टोटल में हम लोग आ गया 1,24,000, तो यहाँ लिख देंगे 1,24,000, और इंटरेस्ट इस साइड में भी आ जाएगा 1,24,000, और ये बैलेंसिंग फिगर में चला जाएगा, तो यहाँ पे 31/3/2022, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसमें बैलेंसिंग फिगर में कितना जाएगा, तो यहाँ पे 124,000। अब हम लोग कॉस्ट का करेंगे, तो कॉस्ट का हम लोग बैलेंसिंग फिगर भी ले सकते हैं, या कॉस्ट हम लोग एवरेज कॉस्ट बेसिस पे निकाल भी सकते हैं, तो जैसे भी आप लोग करना है उस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए एवरेज कॉस्ट बेसिस पे भी निकालेंगे, और प्लस में जैसे भी होगा आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए एवरेज कॉस्ट बेसिस पे निकालेंगे, तो 9 को हम लोग को निकालना है, यहाँ पे 9 लाख का निकालना है, यहीं पे लिख देता हूँ वर्किंग में नोट में 9 लाख का हम लोग को निकालना है, और यहाँ पे हम लोग के पास 12 लाख का दे रखा हुआ है, कितना वैल्यू, तो यहाँ पे 9,26,000, और यहाँ तो हम लोग को मार्केट प्राइस दे नहीं रखा होता, अगर मार्केट प्राइस रहता तो कॉस्ट और मार्केट प्राइस विजिबली हम लोग लोअर लेते, तो ये आ जाएगा हम लोग के पास 9,26,000 × 9/12, तो ये हम लोग के पास कॉस्ट कितना आ गया, तो ये आ गया 694,500 का ये हम लोग के पास कॉस्ट आ गया। और इसी के साथ ये सम्स जो इलस्ट्रेशन नंबर 9 था वो कंप्लीट हो गया। ओके okay?